हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, मैं डॉक्टर राम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्रभावशाली और प्रभावकारी दोनों है। तो अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आपको लंग्स प्रॉब्लम है, अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बता दें। इसका नाम है एलियम सटाइवम। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं आपके साथ। इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, किन किन बीमारियों में यूज करना है, और लास्ट में बताऊंगा इसको कैसे प्रयोग करना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलियम सटाइवम मतलब लहसुन, गार्लिक। गार्लिक हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसको कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है हमारी दिनचर्या में, ये हम अब बेहतर जानते हैं। लेकिन आज इसका होम्योपैथी में कैसे प्रयोग है, किन किन बीमारियों में लेना है, इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये मुख्यतः तीन अंगों पर इसके बहुत ज़्यादा उपयोग हैं। पहला है हर्ट। हर्ट की कोई भी डिजीज अगर आपको है, कोई भी समस्या है, तो एलियम सटाइवम आपको प्रयोग करना है। इसके क्या क्या लक्षण हैं हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। और दूसरा है लंग। लंग्स के भी ऑल टाइप ऑफ डिजीज जो होती हैं उनमें भी इसका एलियम सटाइवम का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तीसरा है पेट। पेट की भी जो समस्याएँ हैं उनमें इसके क्या क्या प्रयोग हैं, क्या क्या लक्षण हैं, वो हम अभी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले लंग्स में। लंग्स के क्या क्या लक्षण हैं, किन किन बीमारियों में आपको इसको प्रयोग करना है। तो दोस्तों, पहला लंग्स में, अगर लंग्स की अर्टरीज कमज़ोर हो गई हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही है हर तक, और आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो एलियम सटाइवम आपके लिए है। एलियम सटाइवम क्या करता है, अर्टरी जो धमनियां होती हैं, धमनियां जो सिकुड़ रही हैं उनमें एक नई जान फूंक देता है। उनकी जो स्किन है, स्किन की टोनिंग को थोड़ा सा ढीला कर देता है, जिससे वो फैली फैली और फूली फूली सी हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई तेज़ हो जाती है। दूसरा, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल डाइल्यूटर का काम करता है। ये अच्छी तरह जानते हैं आप, कोलेस्ट्रॉल डाइल्यूट होगा तो ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में बहुत ज़बरदस्त होने लगेगी, पूरे फ्लो में होने लगेगी। तीसरा, अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है, ब्लड गाढ़ा होता है तो आयुर्वेद में अच्छी तरीके से, हो सकता है आप लोग जानते हो, गार्लिक का प्रयोग ब्लड थिनर के रूप में होता है, वैसे ही सेम होम्योपैथी में भी एलियम सटाइवम का प्रयोग ब्लड थिनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आज का दौर चल रहा है कि हार्ट अटैक के केसेज बहुत बढ़ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल होता है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, धमनियों का सिकुड़ जाना, ब्लड का गाढ़ा हो जाना, तो इन सब समस्याओं में एलियम सटाइवम बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट देती है। अगर ये सब लक्षण आपके हैं तो आपको एलियम सटाइवम जरूर प्रयोग करना चाहिए। कैसे प्रयोग करना है, पूरा वीडियो आप देखते रहिए, मैं लास्ट में जरूर पूरी बात बताने वाला हूँ। तो दूसरा, हर्ट। हर्ट के क्या प्रयोग हैं, हर्ट में अगर आपको सूखी खांसी आती है, बलगम चिपका रहता है, सीने में दर्द रहता है, ठंडा ठंडा सा प्रतीत होता है, तो एलियम सटाइवम आपके लिए है। एलियम सटाइवम जब आप लेते हैं तो अंदर गर्मी हर्ट में प्रदान होती है, उस गर्मी से आपका जो कफ सूख गया है, चिपक गया है, वो डाइल्यूट होके आपके बाहर आना चालू होता है। खासकर आप देखते होंगे कि आप सुबह जब उठते हैं, रात में सोने के बाद जब उठते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको सुबह सूखा सूखा सा ब्लड आता है, बिल्कुल सूखा सूखा सा, और माइक्रो टाइप के ब्लड वेसल्स उसमें मिले हुए से रहते हैं, हल्का लालपन लेके, तो उस केसेस के लिए एलियम सटाइवम एकदम रामबाण है। दोस्तों, अगर ये समस्या है आपको तो आपको जरूर उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि आरटीआई इन्फेक्शन कोई भी हो, लाइक खांसी आना, स्वेलिंग होना, कोई इन्फेक्शन बना हुआ है अंदर, आपको सीने के अंदर दर्द है, और लंग्स में आपको इन्फेक्शन है, लंग्स में दर्द है, स्वेलिंग है, इन सब समस्याओं के लिए आपको एलियम सटाइवम जरूर उपयोग करना चाहिए। तीसरा, पेट। दोस्तों, अगर आपको खाना खाने के बाद तुरंत बाद पेट तन जाता है, टाइट हो जाता है, फूल जाता है, आपको
एसिडिटी और कब्जियत महसूस होने लगती है। कुछ खट्टा तरल पदार्थ यहाँ से चल के मुँह की तरफ बैक होने लगता है। खाने का फ्लो जैसे ही चेंज होता है, मतलब आप जो रूटीन भोजन करते हैं, रूटीन भोजन को जैसे ही चेंज करते हैं, वैसे ही ये समस्या अगर आपको जनरेट होती है तो इलियम सटाइवम आपके लिए है। इलियम सटाइवम एसिडिटी, कब्ज और खट्टी डकारें आना, खट्टी डकारों के साथ एक ऐसा लिक्विड जो खट्टा खट्टा सा होता है, कसैला स्वाद, मुँह की तरफ बैक आना, अगर ये समस्या है तो इलियम सटाइवम आपके लिए है। और दोस्तों कुछ देखते होंगे कि कुछ लोगों को यहाँ जीभ में हल्के हल्के से दाने उभार आते हैं, वो जो चुभन टाइप महसूस होती है, अब जीभ का कलर चेंज होता है, अगर ऐसी स्थिति है तो इलियम सटाइवम आपके लिए है। महिलाओं के लिए उनके मासिक धर्म में अनियमितता हो जाती है, जो ब्लड डाइल्यूट होके उस केसेज में आता है वो बहुत ही गंदा या बहुत ही पेनफुल होके आता है, तो इलियम सटाइवम महिलाओं को ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। बच्चा जब दूध पीता है तो महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट में हल्के हल्के से चूचक के पास दाने निकल आते हैं फीडिंग के टाइम में, वो भी एक प्रकार से इन्फेक्शन ही होता है, तो इलियम सटाइवम महिलाओं को ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। और प्रेगनेंसी पीरियड में खासकर जब महिलाओं के अंगों का पूर्णतया विकास हो रहा होता है तो ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट होता है, तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के साथ समय जो दर्द और वेदना प्रकट होती है, महसूस होती है महिलाओं को, अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ भी महिलाओं को जो है इलियम सटाइवम ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि इलियम सटाइवम कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, कैसे कैसे प्रयोग करना है। अब मैं इसके डोजेस की बात करता हूँ। अगर आपको हार्ट की कोई समस्या है, एक्यूट है, कुछ दिनों से शुरू हुई है, तो आपको 10 से 15 बूंद इसके मदर टिंचर फॉर्म में आपको सुबह शाम प्रयोग करना है। इलियम सटाइवम मदर टिंचर को आप क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अगर समस्या है तब तो आप अपनी और मेडिसिन के साथ इसको आप ज़रूर प्रयोग करें, और दूसरा अगर आपको कोई समस्या नहीं है, आप एज ए प्रिवेंटिव इसको प्रयोग करना चाहते हैं, तो हाफ कप गुनगुने वाटर के साथ रात में 20 बूंद आप ज़रूर लें। तो हार्ट की समस्या है तो आप 15 से 20 बूंद हाफ कप गुनगुने वाटर के साथ दिन में दो बार ज़रूर लें। ज़्यादा क्रोनिक समस्या है आपको, ज़्यादा दिनों से समस्या है, तो आप 2 से 3 बार 4 बार भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी लंग्स की समस्या है सेम वैसे ही, अगर बहुत पुरानी समस्या है तो आप कम से कम 3 बार प्रयोग करें, अगर आपको शुरुआती दौर है तो आप 2 बार प्रयोग करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरा, अगर आपको पेट की समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है, तो आपको 15 से 20 बूंद दिन में 2 बार ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। शुरुआती दौर में है तो आप 1 बार भी प्रयोग करें तो आपको बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप क्यूरिटी तरीके से कोई बीमारी है इनमें से आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 2 से 3 बार प्रयोग करें। एज ए प्रिवेंशन भी इलियम सटाइवम मदर टिंचर का बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट है, आप ज़रूर प्रयोग करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नीचे एक लाइक का बटन है, आप वीडियो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इलियम सटाइवम को कभी प्रयोग किए हैं तो आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं, कैसे रिजल्ट नहीं मिले हैं, कितना प्रभावशाली रही है आपके ऊपर ये दवा, ज़रूर बताएँ, इससे हौसला हमारा बढ़ेगा और लोगों को और जानकारी प्रयोग प्राप्त होगी। तीसरा दोस्तों, होम्योपैथी रिलेटिव बहुत जानकारी के लिए और अच्छी जानकारी के लिए और रोज़ जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।